पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के आह्वान पर उत्तराखंड के कर्मचारियों द्वारा 8 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा। मोर्चे के प्रांतीय आईटी सेल प्रमुख अवधेश सेमवाल ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए उत्तराखंड के कर्मचारी लगातार आंदोलनरत है। पुरानी पेंशन की आवाज बुलंद करने के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारी प्रतिभाग करेंगे। नई पेंशन योजना सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ अन्याय है। किसी भी दशा में कर्मचारियों का अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। इस घेराव के माध्यम से हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र ही उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाल की जाए, कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान किया जाए। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा 8 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत जनपद रुद्रप्रयाग की कार्यकारिणी दिनांक 5 तारीख से ही पैदल यात्रा पर लग चुकी है, सिर्फ एक उद्देश्य के साथ कि सरकार पर दबाव बनाया जाए कि कर्मचारियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों सबकी भविष्य को सुरक्षित रखते हुए पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। जैसा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब, हिमाचल ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है, उत्तराखंड सरकार से भी यही मांग करते हैं, वे भी जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल करे। उत्तराखंड के कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलनरत हैं। इसी निमित्त राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2023 को उत्तराखंड मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जा रहा है, जिसमें कि प्रदेश के समस्त विभागों के कार्मिक प्रतिभाग करेंगे और पुरानी पेंशन बहाली की आवाज बुलंद करेंगे। उत्तराखंड में अनेक पूर्व विधायकों को 40,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक पेंशन मिल रही है, फिर भी वे पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जबकि कर्मचारियों को केवल 1,100 रुपए, 1,000 रुपए और 2,000 रुपए तक की ही पेंशन मिल रही है, जो कर्मचारियों की सामाजिक जीवन के साथ अन्याय है।